हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल न्यू सेशन ऑफ ट्रेडिंग अनलिमिटेड। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कल के लेक्चर में, कि कैंडल्स को जब आप होमवर्क करके मुझे भेजोगे या फिर जोन्स मार्क करके आने वाली क्लास में जब भेजोगे, तो आपके पास कुछ नेम्स तो होना चाहिए ना कैंडल्स का। तो हमारा आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड होने वाला है, नेम्स ऑफ द ट्रेडिंग कैंडल्स इन ट्रेडिंग मार्केट्स, ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग कैंडल्स किस किस प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं, हम उनकी आज नेमिंग करेंगे। जैसा कि हम बचपन में पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसी अगर हमें बोलना है टी फॉर ट्रेडिंग, तो उसके लिए जो कैंडल्स हैं हमारे पास उसके नेम क्या होने चाहिए, वो किस किस प्रकार से होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं और कोई भी, हम यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, हम चलते हैं निफ्टी 200 की लिस्ट पे। अर्पित, यहाँ से कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट करो जो कि आपको दिख रहा है, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। ये एल्कम, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का ये स्टॉक है। इसका कोई भी एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो जरा मयंक, ईयरली, आवरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, डेली। मैं यहाँ पर डी दबा रहा हूँ, ये डेली का खुल गया मेरे पास। डेली का ही हम लोगों ने ट्रेड टाइगर की सेटिंग में सेट कर रखा है, तो डेली ही होता है। अगर मैं W दबाऊंगा तो वीकली, डी फॉर डेली, ठीक है, ये डेली आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो कैंडल है, हमें एक कैंडल दिख रही है कुछ ये इस तरीके से, यानी कि जिसमें कुछ विक भी है, विक पार्ट भी है, और ये फिल्ड पार्ट भी है, बॉडी भी है। यहाँ पर ये मुझे कैंडल दिख रही है, इसका विक पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, बॉडी कम दिख रही है, लेकिन फिर भी बॉडी विजिबल है। अब ये कैंडल के अंदर बॉडी दिख रही है, विक भी दिख रही है, लेकिन कलर बदल गया, ये रेड कलर की हो गई, ये ग्रीन कलर की थी। अब यहां पर क्या है, बॉडी विजिबल है बिल्कुल, लेकिन नाम मात्र को, और विक पार्ट ज्यादा दिख रहा है, विक ज्यादा है, बॉडी कम है। ये वाली कैंडल, ऊपर की विक तो है ही नहीं, सिर्फ नीचे नीचे विक है, फील्ड पार्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो यानी कि अलग अलग प्रकार की कैंडल्स हमारे पास हैं। अब जैसे ये वाली कैंडल जो है, इसके अंदर सिर्फ विक ही विक दिख रहा है और बॉडी तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ये लाइन है, यानी कि प्राइस जहां ओपन हुई थी जेड, वो वहीं पर क्लोज हो गई। सिमिलरली इस वाली कैंडल की अगर आप बात करो, ये जो रेड कलर की विक बनी है, प्राइस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई। ये वाली कैंडल की बात करो, प्राइस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो गई। देखिए इस चीज का प्रूफ, ओपनिंग प्राइस देखो और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, निल होता है या ऑलमोस्ट जहां पर ओपन होती है वहीं क्लोज। ये देख लो 3100.00 और नीचे क्लोजिंग प्राइस इसका देखो, सी फॉर क्लोज 3100.45 का फर्क है। इधर देखो 3135.00 और नीचे क्लोजिंग प्राइस इसका देखो 3.35.05, मतलब 0.05 का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है वो चीज़, तो ठीक है, वो ऑलमोस्ट सीधे सेम है। अब लेकिन हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या हम लोग कैंडल्स को नेम करेंगे। अब कैंडल्स को नेम करने के लिए, यानी कि एक चीज़ हमारे सामने क्लियर है कि कुछ ये जो कैंडल्स होती हैं, कुछ ये ऐसे हैं, ठीक है, एक ये कैंडल ऐसी है, कुछ कैंडल हैं जो वो हमें ऐसे दिखेंगी, ये ऐसे कैंडल हैं, ठीक है, कुछ जो कैंडल है वो सेम ऐसी ही बनेगी लेकिन वो रेड कलर की दिख रही है हमें, ठीक है, और कुछ कैंडल जो होता है वो हो सकता है ऐसे हो और ये ऐसे हो, अलग अलग तरह की कैंडल्स हैं। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में इनको नेम करेंगे ताकि वो नेम हमारे हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहले जनरल तौर पर हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन कैंडल से।
ठीक है, ग्रीन कैंडल से। ओके, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके अलग अलग नाम होते हैं, हम इनको नाम देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ये बोल सकते हैं दैट दिस इज अ कैंडल विच इज ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है। ये वाली बात लेकिन हमें पता है, वो तो कलर से ही दिख रहा है कि कैंडल ग्रीन है, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे हमेशा के लिए, ताकि आपको पता लग जाए। ग्रीन कैंडल में भी जो डिफरेंशिएशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रीन कैंडल है, ओके। अब ये जो ग्रीन कैंडल में ये जो कैंडल है, तो हम ये भी बोलते ना कि ग्रीन कैंडल जो है इट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करती है जैद, ये बुल्को के बियर्स को, बुल्को के बियर्स को, बुल्को। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज अ बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल मैं इसको कह सकता हूं। उसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूं इसको दैट दिस इज अ कैंडल ऑफ बाइंग प्रेशर, दिस इज अ कैंडल ऑफ बाइंग प्रेशर, ठीक है, डन। अब इतनी बात तो लेकिन हमें पता है, इतनी बात तो लेकिन हमें पता है दैट दिस इज अ बुलिश कैंडल एंड दिस इज अ कैंडल ऑफ बाइंग प्रेशर। नेम लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर देखो मैंने बुलिश कैंडल मार्क करी है, मैंने बाइंग प्रेशर वाली कैंडल मार्क करी है। इसके प्रॉपर नेम जो हम लोग देंगे ना, ये चलो चीज तो ठीक है, ये हमें पता है दैट दिस इज अ कैंडल जो कि ये चीज को सिग्निफाई करता है। अब क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर से हमें ये वाली बात पता है, इसलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। डन। अब देखो ये दो चीजें हो सकती हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं कि ये जो कैंडल है ना, इसमें जो मुझे बॉडी पार्ट जो दिख रहा है वो मुझे फील्ड दिख रहा है, यानी कि बॉडी है इस कैंडल की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मयंक अर्पित, यानी कि कैंडल की बॉडी मुझे दिख रही है और विक भी दिख रही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ जरा अर्पित, इस कैंडल के अंदर विक ज्यादा है या बॉडी ज्यादा है? बॉडी ज्यादा है, सामने से देख के ही पता लग रहा है, ठीक है। ऐसी कैंडल को हम लोग कहते हैं, ऐसी कैंडल को हम लोग कहते हैं एक्साइटिंग कैंडल। अब ये कलर कौन से कलर की कैंडल दिख रही है आपको? ये रेड के ग्रीन, तो हम इसको बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या होता है? बॉडी पार्ट ऑफ कैंडल शुड बी मोर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। जो बॉडी पार्ट होता है कैंडल का वो पूरी कैंडल की रेंज के 50% से ज्यादा होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है एक्साइटिंग कैंडल का।
एक्साइटिंग कैंडल का। अब फिर चाहे वो एक्साइटिंग कैंडल चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। बॉडी पार्ट ऑफ द कैंडल शुड बी मोर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बॉडी ऑफ कैंडल शुड बी मोर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। आप चाहे ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, इसको आपकी मर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्साइटिंग कैंडल। फिर चाहे वो बात हो रही हो हमारे सामने ग्रीन कैंडल की या फिर रेड कैंडल की। क्या आपको ये एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला समझ में आया? मतलब जो लिखा है, बॉडी पार्ट ऑफ द कैंडल शुड बी मोर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल, यहाँ तक समझ में आया? लेकिन इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं, है ना? क्या कह रहे हो, क्या कहते हो अरबित? नहीं नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन प्रूफ कर देते हैं इसको सबके लिए। अभी ऐसे समझ में आ जाएगा, देखना प्रॉपर तरीके से जिसको नहीं आया। देखो बहुत एक बढ़िया चीज़ बना देता हूँ आपके लिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। कैसे है बॉडी पार्ट? और ये जो है, क्या मैं इसको कैंडल की रेंज कह सकता हूं? क्यों? ये उसका हाई, ये उसका लो। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, यहां पर देखना सब लोग, इधर ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, बॉडी पार्ट ऑफ द कैंडल शुड बी मोर देन 50% ऑफ द बेस ऑफ द कैंडल, यानी कि कैंडल का जो ओपन से क्लोज तक की जर्नी है वो ज्यादा होनी चाहिए उसकी हाई और लो की जर्नी से, रेंज ऑफ द कैंडल। ये रेंज तो यही है ना, पूरी की पूरी हाई से लेकर लो तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये कैंडल की रेंज है, डन। लेकिन जो उसकी बॉडी है वो इतनी ही है। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है ना, कि अगर हम लोग इसको ऐसा बोलें ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द रेंज। रेंज हमेशा कैंडल की यही होती है अर्पित मयंक, हाई से लो तक, और बॉडी हमेशा ओपन से
क्लोज तक, तो ये एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, अब हम तो यहां पर ये एक और बात बोल रहे थे, कि एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मा दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, हमने तो ये वाली बात अभी बोली है। तो चलो बिल्कुल डिट्टो इसी की सेम साइज की हम लोग बनाते हैं यहां पर रेड कैंडल। सेम बिल्कुल अर्पित, बिल्कुल डिटो। अब अगर मेरे को इसकी रेंज बनानी हो मैं अंक, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इस कैंडल की प्रॉपर रेंज है, क्योंकि चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों केसेस में जो हाई होता है और जो लो होता है वो तो बिल्कुल सेम होता है, और जो बॉडी है बॉडी भी सेम रहेगी, बॉडी मतलब फील्ड पार्ट ये भी सेम है, बस इस फील्ड पार्ट का नाम क्या हो जाएगा हमारे सामने, नाम मतलब इन द सेंस क्या इसको बोलेंगे क्या कि ये ओपन तो यहां से हो इस वाले पॉइंट से, ये ओपन तो यहां से हो इस वाले पॉइंट से ऊपर से, लेकिन क्लोज नीचे जाके, लेकिन हमें यहां पर ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है, हमें यहां पर मतलब है, या तो बॉडी से या कैंडल की रेंज से। बताओ क्या ये वाला टॉपिक सबको समझ में आया यहां तक? तो चलो अब एक बार ये काम भी कर लेते हैं। ये तो थी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, क्या ये भी एक्साइटिंग कैंडल है मयंक अर्पित, राइट वाली जो रेड कलर की है, लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या रेड, रेड एक्साइटिंग कैंडल। रेड एक्साइटिंग कैंडल ओवरऑल ये हमें पता है कि वैसे एक बात कि ये है ये वैसे रेड कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल है वैसे ये वाली तो कैंडल रेड है, इतनी बात हमें पता है। लेकिन अब क्योंकि इसको एक्साइटिंग कैंडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बॉडी पार्ट है, चाहे ये वाला कैंडल चाहे ये वाली कैंडल हो, जो इसमें बॉडी पार्ट है वो ज्यादा है इस कैंडल की रेंज से, और सिमिलरली इस कैंडल में भी बॉडी पार्ट जो है वो जाता है कैंडल की रेंज से, तो हम उसको क्या बोलते हैं रेड एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, रेड एक्साइटिंग कैंडल। एक नाम जरा ऐसे और दे देते हैं, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है,
या ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तो हम इसे बोल देते हैं नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल या नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ये भी नाम से बोला जाता है। इसे नाम में कुछ फ़र्क नहीं होता, उससे हमारा कुछ ये थोड़ी ना कि ट्रेडिंग के करियर पे कुछ असर पड़ेगा, वो तो सिर्फ एक कहने वाली बात है। दिस इज नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल। एक नाम इसे और बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं रैली। ग्रीन कैंडल को हम हमेशा बोलते हैं रैली और रेड कैंडल को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप। एक ही नाम है चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन ये सारे नाम हमारे काम आएंगे कि कब हम इसको ड्रॉप बोलने वाले हैं, कब नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल और कब किसको रेड एक्साइटिंग कैंडल या फिर रैली बोलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाली है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर कुछ कैंडल ऐसी भी तो थी जिसमें ये मुझे बॉडी पार्ट कम लग रहा है लेकिन रेंज ज्यादा लग रही है, विक पार्ट ज्यादा लग रहा है। नहीं अर्पित, ये वाली कैंडल, ये इसके अंदर मुझे ये बॉडी पार्ट कम लग रहा है लेकिन ये कैंडल की रेंज ज्यादा लग रही है। तो ऐसी कैंडल को हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ आपको ये कैंडल दिखेंगी लाइक कैंडल आपको देखेंगी वेट अ मिनट लाइक दिस। वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती हैं, ये हो सकती है, ऐसी हो सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर चाहे मैं कोई भी बना दूं उसमें एक चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से विजिबल होगी डैट कैंडल के अंदर, इस तरह की कैंडल्स के अंदर जो विक पोर्शन होगा वो ज्यादा हमें देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू उसका बॉडी पार्ट। राइट राइट, इस तरह की कैंडल्स को हम लोग एक नाम देते हैं, हम लोग इनको कहते हैं, एक सेकेंड डॉक्टर इसको थोड़ा सा साइड कर दो, इस तरह की कैंडल्स जो हमारे सामने होती हैं हम इनको बोलते हैं एस बेस कैंडल्स। क्या बोलते हैं? बेस कैंडल्स।
चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगते हैं, फॉर्मूला फॉर बेस कैंडल। क्या बेस कैंडल को भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो ग्रीन भी हो सकती है और वो रेड भी हो सकती है? अर्पित बोल सकता हूँ ऐसा? मयंक, तो आप लोग इस बारी आप लोग खुद फॉर्मूला बताओ जरा क्या बनेगा, क्या लिखूं मैं? बॉडी पार्ट ऑफ द कैंडल शुड बी, क्या लिखूं मैं यहां पर? नहीं नहीं लेस देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। इसको क्या मैं ऐसा भी बना सकता हूं? बॉडी ऑफ कैंडल इज लेस देन 50% ऑफ द रेंज। हाँ वही टोटल रेंज ही होता है। रेंज ऑफ कैंडल क्या सही लिखा है मैंने? और एक चीज यहां पर, ये तो आपको पता ही है, ये वाली कैंडल भी चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों हो सकती हैं, राइट? अब जिसमें ये जो डिफरेंस होता है ना, बिल्कुल जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि ये वाली कैंडल मान लो यहां पर, ये देखना, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये मैंने बनाई एक ही है, मैंने एक ही बनाई एक ही है, एक ऐसे भी ले लेते हैं, ये या ये सिमिलरली ये या फिर कुछ ऐसे, मतलब काइंड ऑफ आपको ये बिल्कुल जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये दो अगर आप देखो, या फिर अगर आप ये वाली देखो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये ऐसे करके एकदम से ये डॉट बनी वैसी, सिंपल ऐसी नहीं बनी है बिल्कुल, ये कुछ मिलाकर ये ऐसी डॉट बनी हो, ये कुछ ऐसे बनी हो, लग रहा कि नहीं लग रहा? अगर आप यहां पर देखो तो एक इसको और एक इस वाली को, ये बिल्कुल ऐसी है कि नहीं है अर्पित? ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि मैंने यहां बनाई है ये वाली, ये होती बेस कैंडल्स ही है मयंक,
ये होती है बेस कैंडल्स की, लेकिन हम लोग इनको क्या बोलते हैं मयूर? डोजी कैंडल। लेकिन डोजी कैंडल होती बेस कैंडल ही है, बेस कैंडल ही है। क्योंकि बेस कैंडल की डेफिनेशन, या डेफिनेशन क्या है यहां पर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी पार्ट वो जो है पूरी कैंडल की रेंज की 50% से कम है। इन सब में भी ऐसे ही था ना। यहां पर अगर आप देखो मयंक, ये देखो अर्पित, एक बात बताओ, इधर इधर ये रहा बॉडी पार्ट इतना, और ये रही कैंडल की रेंज। कम है ना बॉडी पार्ट इस रेंज से? इधर बॉडी पार्ट इतना, और ये रही कैंडल की रेंज, कम है ना। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें, ये रहा बॉडी पार्ट और ये रही कैंडल की रेंज। है तो ये सारी की सारी, इसका मतलब क्या, बेस कैंडल ही है। लेकिन इस वाली कैंडल्स को, ये जो जैसे आपको ये जो ऐसी दिखे आप सबको, अगर ये ऐसी ये टी शेप जैसी, या फिर एल शेप, ये हथौड़े जैसी, या फिर टी जैसी, या फिर ये जीसस क्राइस्ट के साइन जैसी, इनको हम लोग नाम देते हैं डोजी कैंडल। ठीक है। अब वो अलग अलग लोग ये कहते हैं कि इसको, कई लोग कहते हैं कि हैमर स्टोन, हैमर मैन, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैद नाम नहीं याद करना, हमें कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़नी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है, हम ये जो कर रहे हैं पैसा पैसा बनाना है, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स हैं इसको हम लोग बेस कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कैंडल, अगर यहां से, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा एक बात, हम इसको दो नाम दे सकते हैं, एक तो रेड बेस कैंडल, बेस कैंडल भी दो हो सकती हैं, या तो ग्रीन बेस कैंडल। या तो रेड बेस कैंडल या ग्रीन बेस कैंडल, जैसा कि हमें ऊपर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा? मेजरली दो तरह की कैंडल होती हैं, मेजरली दो तरह की कैंडल होती है। अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ दो ही तरह की मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? बहुत अगर ब्रॉडली बात करें, हमें कैंड, वेरी गुड, या तो एक्साइटिंग कैंडल होती है या फिर बेस कैंडल होती है। अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें ये पता लगेगा, एक्साइटिंग कैंडल दो प्रकार की होती हैं, या तो ग्रीन या रेड। बेस कैंडल भी ऐसी दो प्रकार की होती हैं, या तो ग्रीन या फिर रेड। अब जो अगर एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल अगर हमें मिल गई है, तो इसको हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नंबर वन तो ये ग्रीन कैंडल है, दूसरी ये बुलिश कैंडल है। ये वाली कैंडल कैसी है? रेड जो एक्साइटिंग कैंडल है, ये बीरिश कैंडल है। ये कैंडल है, इट कैन बी कॉल्ड एज बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। और क्या नाम बोल सकते हैं हम इसके? हम इसको नॉर्मल
ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल। इसको हम एक नाम और दे रहे हैं, क्या, एक हम इसको बोल रहे हैं रैली और इसको हम बोल रहे हैं ड्रॉप। मुझे अब ये बताओ जरा, ये जो ग्रीन कैंडल को अगर हम रैली या ड्रॉप बोल रहे हैं, जैसे अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इस कैंडल को अर्पित, हाँ ठीक है मयंक, आवाज आ रही है आपको मयंक, ये देखो क्या मैं इसको बुलिश कैंडल बोल सकता हूँ, बुलिश बुलिश कैंडल या फिर क्या कहते हैं बाइंग प्रेशर की कैंडल। ये जो मैंने बनाई है अर्पित बोल सकता हूँ क्या मैं, हाँ बोल। देखो इसको पता है, इसको पता है कैसे बोला जाता है, मैं बता देता हूँ। देखो यही चीज़ है, आ गई ना कन्फ्यूजन कि सर ग्रीन तो दिख रही है सामने, आंखों के सामने तो दिख रहा है, क्या नाम दे सकते हैं ऐसा कि नहीं दे, क्योंकि आपने तो इसके नीचे बताया हमें वाला नाम है ना। इसको ये बोल सकते हैं कि सर ये ग्रीन तो बनी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर तो है, बाइंग आई है, लेकिन वो बाइंग ना प्रेशर नहीं क्रिएट कर कर आ रही, क्योंकि प्रेशर क्रिएट कर कर आती तो भैया बॉडी तो दिखती ना। यानी कि यहां पर जैद हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि बायर्स यहां पर हमें दिख तो रहे हैं, हावी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी विन विन सिचुएशन के अंदर कौन है। सेलर्स उनको उतना ही नीचे लाने का दम रखते हैं, क्योंकि एक टाइम पर ये हम ऐसा बोल सकते हैं जैद कि ये कैंडल इतनी बड़ी थी एक टाइम पर, है ना, क्या मयूर इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली कैंडल एक टाइम पर इतनी बड़ी थी, लेकिन इसको यहां से यहां किसने बंद कर दिया, कौन बिल्कुल इक्वल दमदार है सेलर। तो क्या हम अर्पित अगर 100 बातों की एक बात करें, क्या हम इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोल सकते हैं, एक्साइटिंग तो पहली बात है बोल ही नहीं सकते है ना, क्या हम इसको बुलिश प्रेशर की कैंडल बोल सकते हैं, नहीं, क्या बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल बुलिश भी नहीं बोल सकते, नहीं बुलिश में, क्योंकि जब नाम में ही दम रख रहा है भाई, बोल कोई ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम एक स्टोरी बनाकर बोलें इस चीज़ को कि बुल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना होती है कि वो पतला दुबला मरा सा कुत्ता जैसा दिखेगा, बुल में दम होती है, तो यहाँ पर दम नहीं है इनमें। हाँ क्या हम इसको बाइंग प्रेशर की कैंडल बोल सकते हैं, नहीं बाइंग मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रेशर जहाँ पर वर्ड आ गया प्रेशर तो बोलो सर नहीं बाइंग तो दिख रही है लेकिन प्रेशर नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। हम इन सबको मतलब क्या बोल सकते हैं बताओ, कुल मिलाकर एक बात, हम सब इन सबको बेस कैंडल बोल सकते हैं। डोजी भी वर्ड मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आज तो मैंने बता दिया नेवर एवर वी विल यूज दिस वर्ड्स डोजी फोजी फलाना डिकमा, हमें कोई नाम से मतलब नहीं है, हम यह नाम नहीं खेलने बैठे हैं। ज़्यादातर वर्ड्स हम लोग यही यूज़ करेंगे कि ये कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, और जो हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो यही करेंगे, रैली बेस एंड ड्रॉप, इन तीन वर्ड्स पे हमारी पूरी की पूरी लाइफ चलेगी ट्रेडिंग करियर में, जर्नली हम इसी को वर्ड को लेकर चलने वाले, रैली ब्रेस एंड ड्रॉप, रैली मतलब ग्रीन, बेस मतलब नॉर्मल सी कैंडल जो छोटी हो जिसकी लेकिन विक ज़्यादा बड़ी हो, और ड्रॉप मतलब रेड कैंडल। एक बात मैं बता देता हूँ, एक बात क्लियर कर देता हूँ, देखो हम लोग अपने लेक्चर्स की सहूलियत के लिए, मेरी बात ये सब लोग ध्यान से सुन लो, जब भी हम लोग आगे की क्लासेस में बेस कैंडल बनाएंगे ना, बेस कैंडल, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ, तो हम उसको ना ब्लू कलर से बनाया करेंगे, इस कलर से, ओके, ये वाली बात ध्यान रखना। ये मत सोचना कि रियल चार्ट पे आपको कुछ ऐसी कैंडल ब्लू कलर की दिखेगी, नहीं दिखने वाली है, हम बनाएंगे अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। और बेस कैंडल को आप एक नाम और दे सकते हो जो कि मुझे याद आया, आप इसको ये कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज बोरिंग कैंडल्स, क्या कह सकते हो बेस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, बोरिंग कैंडल्स। मुझे एक बार बताओ जरा, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये ग्रीन वाली, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस कैंडल के थ्रू कि बायर्स विन विन सिचुएशन के अंदर है, कह सकता हूँ
क्या मैं इस कैंडल के थ्रू ये कह सकता हूं कि सेलर्स विन विन सिचुएशन के अंदर है? कह सकता हूं इसको देख के क्या कहूं, लेकिन मैं इस वाली को देखकर ये कौन विन विन सिचुएशन के अंदर है? बोलो सेलर्स हावी हैं सर, लेकिन विन विन सिचुएशन अभी डिटरमाइन नहीं हो सकती इस कैंडल को देखकर। क्योंकि देखो ना, एक टाइम पर ये कैंडल कुछ इतनी थी, नहीं अर्पित, कुछ इतनी थी ये कैंडल, लेकिन यहां तक इसको ऊपर लाकर बंद करने का जो दम रखा वो किसने रखा? बायर्स ने। तो हम विन विन सिचुएशन तो नहीं कह सकते। विक देखकर ये पता लग रहा है कि उतना जितना बाइंग प्रेशर, जितना सेलिंग प्रेशर आया था उतना ही बाइंग प्रेशर भी आ गया। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हुई? ये सबको समझ में आया? ठीक है, एक मिनट वेट करो जरा, हम इसको हटाते हैं और अब मुझे आंसर करते जाना। जी कैसी कैंडल है, क्या नाम दूं मैं उसको? बेस या बोरिंग कैंडल? हाँ बोरिंग कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, डोंट वरी मयूर, जो जो नई बातें सीखते जाऊंगा बताता चला जाऊंगा। ये कैंडल क्या है? नॉर्मल ग्रीन, एक्साइटिंग कैंडल। क्या मैंने ठीक लिखा है? नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये कैंडल सही है जो मैंने बनाई है? ठीक है, अब अगर मैं अगर इसकी विक को अगर इतनी कर दूं मैं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बन गई बेस कैंडल। अगर मैं इसका कलर कुछ ऐसे कर दूं तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नहीं, नाम नॉर्मल। हाँ वैसे तो बेस और बोलिंग कैंडल है ना, रेड 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 बेस कैंडल, रेड बेस कैंडल। ये चीज क्लियर है यहां तक? अब मुझे मयंक जरा ये बताओ, ये कैंडल क्या है? वेरी गुड, नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल, नॉर्मल रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब देखो एक चीज और डिटरमाइन करते हैं, लास्ट थिंग। इस पे ध्यान देना जरा, प्रॉपर फोकस करना अपना, ठीक है?
इसको कुछ ऐसा बना लेते हैं हम, एक केस ये ले लेते हैं, हाँ चलो छोड़ो उसको, पहले इस पे फोकस करो ज़रा, इन सबको भूल जाओ, पहले इस वाली पे फोकस करो ज़रा। इसको हम क्या नाम, इसको फटाफट बोलो हम इसको क्या नाम दें। नॉर्मल एक सेटिंग, ग्रीन कैंडल, क्या ये वाली बात ठीक है? सब लोग एग्री करते हैं इससे? पक्का? एक तो ये हो गई हमारे पास जो हमने ये सीखी, ठीक है। अब बीच में जरा इसको लाते हैं। अब जरा फटाफट मुझे जल्दी इसका नाम बताओ। सब लोग एग्रीड? इसको हम यहां पर रख देते हैं, हमारा दूसरा केस। अब मुझे जरा मयंक ये बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब एक कैंडल ग्रीन बनी, मैं आपको केस बता देता हूं, एक कैंडल ग्रीन बनी जो कि एक्साइटिंग कैंडल है, उसके नेक्स्ट कैंडल भी, अर्पित ये एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है ना, अगली वाली भी ये वाली भी, वो लगातार दो कैंडल बन गई। मतलब और भी बन सकती है, हो सकता है और बनती चली जाए, लेकिन एक के बाद अगली भी कैंडल एक्साइटिंग मुझे दिख रही है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? बुलिश तो हैं दोनों, इसका नाम होता है, एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। ये ऐसी रेंज होती है, अगर अर्पित अगर इसको पहचानना सीख गए ना, चार्ट पे देखना, जो इसकी स्टडी करना सीख गए ना, आपकी ट्रेड्स बहुत अच्छी चलेंगी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? ये कैंडल का ये एक नया नाम, और एक केस हम ये वाला ले लेते हैं। अब इसको बता दो जरा मयंक, अब इसका नाम क्या रखें? एक्सप्लोजिव वेरी गुड। तो मयंक इजी लग रहे हैं लेक्चर, सबको समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? कल वाला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा मयंक, ठीक है? वो थोड़ा सा हो नहीं पाया, डिले हो गया था, क्लास हुई थी, मैं कर दूंगा। कल आप क्लास में आए क्यों नहीं थे? मैंने तो बता दिया था टाइम। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? वैसे सबको समझ में आ रहा है ना मयंक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब कुछ A to Z क्लियर है बिल्कुल आराम से, ठीक है? नॉर्मल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, नॉर्मल एक्साइटिंग रेड कैंडल, एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग रेड कैंडल और एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, अगर हम नॉर्मल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल की बात करें, यहां पर आपको क्या लगता है जैद, कैसी बाइंग आई होगी? कैसी बाइंग? नॉर्मल बाइंग। अगर मैं एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल की बात करूं तो यहां पर कैसी बाइंग होगी? एक्सप्लोजिव बाइंग। इस रेड कैंडल की बात करूं तो मैं यहां पर कैसी सेलिंग आई होगी? और अगर मैं इस एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग रेड कैंडल की बात करूं तो कैसी आई होगी यहां पर सेलिंग? एक्सप्लोसिव सेलिंग।
अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस नॉर्मल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल में बायर्स कैसी सिचुएशन के अंदर है? विन विन सिचुएशन के अंदर। इस एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल की मैं बात करूं तो बायर्स कैसी सिचुएशन के अंदर दिख रहे हैं? रेड कैंडल के अंदर कौन दिख रहा है विन विन सिचुएशन के अंदर? सेलर्स आर इन। विन विन सिचुएशन। और इस एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग रेड कैंडल की बात करूं तो कौन दिख रहा है विन विन सिचुएशन के अंदर अगेन? कैंडल अगर कुछ ऐसी हो कौन अभी विन विन सिचुएशन के अंदर जो बनाई है मैंने ये सेलर, आप कौन है? नहीं, कोई नहीं है, बेस हो गई, क्योंकि ये बेस में कभी कोई कोई बता ही नहीं सकता कि विन विन सिचुएशन के अंदर कौन है। बेस हो गई ना, बस ना, मतलब मतलब ही बदल गया, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यानी कि इससे हमें एक और, मैं एक और बात बता देता हूँ, फिर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये कैंडल सिर्फ वैसे ही बनी है, कोई विक नहीं है इसमें। कौन है विन विन सिचुएशन के अंदर श्योर शॉर्टली कौन कह सकता है? बायर। लोअर विक नहीं बनाई इसने, अभी कौन है विन विन सिचुएशन के अंदर? लोअर विक बन गई, अब कौन है विन विन सिचुएशन के अंदर? अभी भी बायर है, आप कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि बॉडी पार्ट कम हो गया ना। बॉडी पार्ट कम हो गया, रेंज ज्यादा बढ़ गई, देखो है ना। अब कौन है? कोई भी नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इससे एक कंक्लूजन आपको ये मिली फ्यूचर के लेक्चर्स में, कि जब तक किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो, चाहे क्वार्टरली की देख रहे हो, चाहे मंथली की देख रहे हो, वीकली की देख रहे हो, हाफ ईयरली की देख रहे हो, ईयरली की देख रहे हो, 15 मिनट की देख रहे हो, 3 मिनट की देख रहे हो, 5 मिनट की देख रहे हो, 4 घंटे की देख रहे हो, कोई भी कैंडल अगर देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब तक वो कैंडल पूरी तरीके से क्लोज ना हो जाए, चलती कैंडल के अंदर नेवर एवर एंटर इनटू ट्रेड। क्योंकि अर्पित एक बार समझ में, ये कैंडल जब इतनी थी तब तक तो बहुत अच्छी लग रही थी कि भाव ये बुलिश होने वाली, अगली कैंडल क्या पता और ऊपर चली जाए, फिर और ऊपर चली जाए, है ना। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, क्या हुआ ये, यानी कि ये यहां तक गई, ऊपर 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 जाते और यहां पर आके वापस नीचे आ गई। सिमिलरली ये कैंडल में पर्सन को लग रहा था, पर्सन यहां तक ही गए, यहां तक ये कैंडल गई, यहां तक, इधर तक, तो ये ऐसी हो गई थी कुछ, है जैद, बिल्कुल ऐसी हो गई थी, यहां तक हो गई। डर के मारे पर्सन ने एग्जिट कर दिया ट्रेड से, और उसके बाद बुल्स हावी हुए, बुल्स हावी हुए और यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गई, और अगले दिन से क्या पता एक ऊपर अच्छा खासा बैंक प्रेशर आ जाए। यानी कि इससे एक चीज़ समझ में आती है, मैं फ्यूचर के लिए बता देता हूँ चीज़, लास्ट चीज़ बस ये बोल के हम ख़त्म करेंगे। इससे फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मैसेज देना चाहता हूं,
बिलीव इन योर स्टडी, बिल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रस्ट योर चार्ट एनालिसिस। इन तीन बातों को कभी मत भूलना प्लीज। ये वाली बात समझ में आई सबको? अपनी स्टडी पर बिलीव रखो हमेशा, उससे कभी मत भटको, मत डरो। कितनी भी नीचे आ रही है, कितनी भी ऊपर आ रही है, अपनी अगर साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तीनों पॉइंट कनेक्टेड है। आप अपनी चार्ट एनालिसिस जो अगर आपने प्रॉपर तरीके से करी है ना, सेक्टर भी हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे, सेक्टर भी देखा अगर आपने, आपने हाईएस्ट वेटेड स्टॉक्स को देखा, उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो पूरा का पूरा देखकर कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर बैंक के स्टॉक के अंदर या किसी भी चीज़ के स्टॉक के अंदर होने क्या वाला है। जस्ट बिलीव इन स्टडी, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर विश्वास करो, क्योंकि अपनी चार्ट एनालिसिस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और इससे होगा क्या, इससे दो फायदे निकल कर आते हैं। यू विल नेवर एवर होल्ड लूजिंग ट्रेड्स, आपको पता रहेगा व्हेन टू एग्जिट एंड एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस। और यू विल नेवर एवर क्विट अर्ली इन जैकपॉट ट्रेड्स। अब मैंने आपको एक कॉल बताई कोई भी, ठीक है, आपने वो 9K की कॉल ली, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होल्ड करो उसको, मार्केट के अंदर बुल रन है, ये 1.5 लाख का आपको प्रॉफिट देकर जाएगी ये कॉल, जस्ट होल्ड इट फॉर सम डेज। 30K पर आई, पर्सन बहुत खुश, अगले ही दिन ये 3K हो गई। जब आपको अपनी एनालिसिस पे विश्वास है कि अभी तो एग्जिट करना ही नहीं है, अभी तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है कुछ भी करके, और फिर मार्केट ने एक हल्का सा जैसे ऊपर 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 ही जा रही थी, ये 3K हो गई, उसके बाद सबका कॉन्फिडेंस खत्म करके सबको एग्जिट करवा के अगले ही दिन सुपर बुलिश। और ऐसे ही वर्क करती है मार्केट इंस्टीट्यूशंस। इसलिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव एन्जॉयड डैट कॉल्स ऑल्सो, कि जिसमें मैंने 20K की कॉल को, मार्केट के अंदर जब बुल रन होता है ऐसा पॉसिबल होता है, 20K की कॉल से आई हैव वन 2 लाख रुपीज ऑल्सो। 20K की कॉल, होल्डिंग इट फॉर 5 to 7 days, इनफैक्ट कभी कभार जल्दी टारगेट भी 3 days भी, एंड 2 लाख ईजी प्रॉफिट। और साइकोलॉजी वाली बात क्यों कह रहा हूँ, बिल्ड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब पर्सन ये सोचे, काश मैं इसके 5 लॉट बाई कर लेता, 1 लाख रुपए लगा लेता, काश मैं इसके पास जब 20,000 के 2 लाख हो गए तो यहां पर मेरे 10 लाख हो जाते। एंड किसी में अगर स्टॉप लॉस लग गया, 3K या 5K का लॉस हो गया, कह रहे थे लगाने ही नहीं चाहिए थे, किसी और चीज में वाले पैसे काम आ जाते। ये जो गड़बड़ाती है ना साइकोलॉजी, यानी कि लॉस एक्सेप्ट करने से डर लग रहा है, और जब प्रॉफिट हो गया है तो पर्सन खुश नहीं है, उसके बाद उसकी रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही है कि और क्यों नहीं लगाए, और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, एक ही लॉट क्यों लिया। क्योंकि एक बात याद रखना, कभी भी टू शूज के अगर कोई कमा भी रहा है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने किसी का पोर्टफोलियो देख लिया कि मैंने 10 लॉट बाय करे और मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया, रिमार्केबल प्रॉफिट 45 लाख रुपीज का, आप ये गलती देखा दिखाई किसी को मत करो। क्योंकि बस एक चीज हैप्पीनेस वाली बात याद रखना हमेशा, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट हमेशा से यही था और यही है। एक दिन कोई अच्छी कॉल्स मिस कर दी, कोई बात नहीं, ऐसी कम से कम 10 लाख अपॉर्चुनिटी हर महीने आती है। क्यों?
देयर आर 550 प्लस इंडियन स्टॉक्स, 500 प्लस यूएस स्टॉक्स, 600 प्लस क्रिप्टोस, 20 प्लस कमोडिटीज एंड फॉरेक्स इंक्लूड करके, इतना तो पैसा भी नहीं होगा जितनी तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। इतना तो पैसा भी नहीं हो जमा कर पाओगे ट्रेड में लगाने के लिए, इतनी सारी तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एक में जब हम लोग ट्रेड करने लगेंगे आफ्टर द रिस्क मैनेजमेंट क्लास एक थोड़े दिनों में होगी, आई विल अलाउ यू टू फाइंड योर गुड ट्रेड्स। मैं आपको अलाउ करूंगा, परमिशन दूंगा आपको, मतलब पूरा कोर्स खत्म होने से पहले भी, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास के बाद, रिस्क एनालिसिस की क्लास के बाद यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग आराम से, फ्री बेफिक्र होकर, जिसमें आप मैं आपकी 95% प्लस एक्यूरेसी डेवलप कर दूंगा। अब उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक क्लॉक होती है अलार्म, वो आपसे मैं सेट करवाऊंगा, मतलब जैसे ही आप वो उस जोन पे आने वाला होगा ना आपका ट्रेड, आपके नोटिफिकेशन आएगी, अलार्म बजेगा आपके इस ऐप्स में, ताकि आपका ये चीज़ डिमांड जोन पे आ गई है, बी रेडी टू बाय। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि इतने अलार्म बजेंगे ना, इतने अलार्म बजेंगे कि आप थक जाओगे कि यार कार 100 करोड़ रुपये होते यार, इतने सारे अलार्म बज रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है, बेवकूफ़ी में कभी कभी भी एकदम से बहुत ज़्यादा लॉट मत लेना, पूरा का पूरा ट्रस्ट भी हो उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद ये याद रखो कि एक दिन के अंदर अगर जैसे आपको 3 से 5 सेटअप रेडी मिल रहे हैं जिसपे आपका अलार्म बजने वाला है, तो वो एक एक लॉट, दो दो लॉट इन सब में एलोकेट कर दो ना, कि अगर कोई अगर आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं भी कर पाया, अगर यहाँ पर इस वाले के अंदर जो फिफ्थ ट्रेड है वो आपकी फेल कर गई और ये आपको 10K का लॉस दिखा रही है, ये बाकी चारों तो 3 लाख प्लस प्रॉफिट दिखा रही होंगी, तो ये 10 लाख को माइंड करोगे क्या? और सारा का पैसा अगर इसी में घुसा दिया तो पता चला यहाँ 3 लाख का लॉस दिख रहा है, और फिर दूसरों को देख रहे हो अपनी, मतलब बाकी 4 ट्रेड्स को देख रहे हो, यार इसमें लगा दिया था तो क्या पता यार ये 10 लाख रुपये हो जाते। वो वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में मैं बताऊँगा, जिससे आपको पता लगेगा ये वाली बातें। दो, होल्ड नहीं करना है लूजिंग ट्रेड्स को, और अर्ली क्विट नहीं करना है जैकपॉट ट्रेड्स में जो रॉकेट बनते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।